गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये बीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, ओवर टू यू मैम, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट ऑल कर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू हनुमान सर, एम एन सहगल सर, मेरे गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर और सारे सीनियर्स, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर प्रवीण सर और सारे सीनियर्स मेंटर्स जिनसे मैं सीख रही हूँ एंड ऑल द IHF फैमिली मेंबर्स, ग्रेटिट्यूड सबको। तो आज का मेरा जो केस है, मैं पहले नरेट कर देती हूँ। तो ये केस जो था, ये 59 ईयर्स ओल्ड एक लेडी थी, वो मेरे पास आई। उनको प्रॉब्लम थी इचिंग ऑफ ब्रेथ एंड कभी कभी उनको पेन हो रहा था, ठीक है, सिंस 8 मंथ, मतलब उनको 8 महीने से ऑन एंड ऑफ चल रहा था ये। तो ये मेरे पास डायरेक्टली ऑफिस से आई थी और वेल ड्रेस थी बहुत अच्छे से और माइल्ड पर्सनैलिटी थी। आके उन्होंने नमस्ते वगैरह बोला, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे इचिंग हो रही है और कभी कभी दर्द भी होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि कब से हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 8 महीने से चल रहा है। तो मैंने कहा फिर आज कैसे क्यों दवाई लेने आया, तो उन्होंने बोला कि आगे जाके कोई परेशानी ना हो इसलिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है तो इसलिए थोड़ा डर लगता है। तो मैंने पूछा कि मतलब अपना खुल के अच्छे से बताइए। तो उन्होंने बोला कि अभी 2 महीने पहले मेरा यूट्रस पूरा बाहर आ गया था, तो उसका ऑपरेशन करवाया था मैंने और उसी चक्कर में थोड़ा सा मतलब ये ठीक हो जाए वो ये हुआ वो हुआ, उसके चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। और मुझे मैंने पूछा कि और कुछ भी है, तो उन्होंने बताया कि मुझे डायबिटीज है 8 साल से और हाइपोथायरॉयडिज्म है 15 साल से और उसकी मैं दवाई ले रही हूँ। उसके अलावा जैसे मेरा अभी वजन भी कम हो गया, जैसे मैंने ऑपरेशन करवाया तो मेरा वजन 2 महीने में ही 4-5 किलो कम हो गया। तो फिर मैंने बोला कि हाँ इतनी सारी चीजें हैं आपको तो जरूर कुछ ना कुछ टेंशन होगा लाइफ में, तो आप मुझे वो बताइए। तो एकदम बस हल्की सी स्माइल दी कि नहीं ठीक है सब कुछ ओके है। तो मैंने बोला नहीं कुछ तो स्ट्रेस है, फिर उनको बताया कि नहीं कुछ तो है जो हमें समझ के दवाई देनी है उनको। उन्होंने बोला नहीं वैसे सब ठीक है, बस खाया पिया नहीं जा रहा है, अभी ऑपरेशन के बाद दलिया वगैरह खाती हूँ लेकिन फिर भी जैसे शाम को ऑफिस के बाद थकान लगती है जो पहले मुझे नहीं लगती थी। तो मुझे लगा कि ये पेशेंट अच्छे से बता नहीं रही है, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं IPR से एंट्री कर लूँ, क्योंकि इनकी पैथोलॉजी यूट्रस और ब्रेस्ट से थी तो मुझे लगा कि शायद बच्चों से रिलेटेड कुछ हो। तो मैंने IPR का पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने बोला कि एक बेटा एक बेटी हस्बैंड और मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो बेटा 29 ईयर्स का उन्होंने बताया, तो मैंने कहा उसकी शादी हो गई क्या, तो उन्होंने बोला नहीं अभी थोड़ा देख रहे हैं, तो थोड़ा कंफर्ट में चल गई थी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है 29 का, तो मतलब करता क्या है वो, तो उन्होंने बोला कि पढ़ रहा है अभी, तो वो थोड़ा हेजिटेशन दिखा उनके चेहरे पे। तो मैंने लगा पूछा उनसे कि उसको लेके कोई बात है कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ, तो उसी पे मैं आपको दवाई दूंगी। थोड़ा मैंने उनको समझाया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो थोड़ा है ना गुस्सा ज्यादा करता है और काम कुछ नहीं करता है, मतलब एक्चुअली वो स्टडी कर रहा था लेकिन वो क्या करता था बीच में छोड़ देता था, तो उस चक्कर में उसके पापा भी घर पे थे तो वो उसको देखते थे कि भाई बेटा हुआ है अलग अलग जगह एडमिशन ले रहा है कर कुछ नहीं रहा है, तो उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने कहा अच्छा दोनों की लड़ाई होती तो आप किसका साथ देती हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बोलती और वैसे देखने जाए ना तो दोनों मेरी वजह से ही साथ में है, नहीं तो बेटा तो कहीं चला ही जाता, क्योंकि बेटा बहुत गुस्से वाला था और बार बार मतलब कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहता था और इनमें थोड़ी अनबन होती रहती थी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे लास्ट में पूछा कि ये होम्योपैथी दवाई जैसे आप दे रहे होते तो मीठी होती है तो शुगर तो नहीं बढ़ेगी ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं बढ़ेगी मैं आपको देती हूँ मेडिसिन ठीक हो जाएगा। तो ये केस था। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगा, और जो एडिशनल मैंने ऐड किया है
कि जैसे क्या हुआ था ना, सेकंड विजिट में वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो हस्बैंड ने बताया था कि एक्चुअली हस्बैंड वर्किंग नहीं थे, उनको कुछ हार्ट इश्यू कुछ था और एज भी थी, तो उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो फाइनेंशियल सारा ये खुद लेडी मैनेज कर रही थी, तो हस्बैंड को बहुत फील हो रहा था कि ये इतनी परेशानी होने के बावजूद पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, घर पे करती है, और बेटा जिसको करना चाहिए वो बैठे रहता है। तो उन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती थी, तो जिसने भी बोला, मतलब हस्बैंड थोड़ा मुझे ना कि गिल्ट महसूस कर रहे थे कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ और बेटा भी नहीं कर रहा है, सारा इस पे आ गया है। तो वो चीज थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप क्यों टेंशन लेते हो, आप टेंशन लोगे आपकी तबीयत खराब होगी, तो आप टेंशन मत लो। तो इस तरह का सिनारियो था फैमिली में। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगा। जी बताइए, ऐड कीजिए। हेलो मैम, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ इसे इसके सब सुन के तो लगता है इसे बेटे की बहुत चिंता है, बेटे के फ्यूचर की, उसके करियर की, और हस्बैंड से उससे उससे जो बनती नहीं, वो जो बोल रही कि मैं हूँ इसलिए वो दोनों इकट्ठे, तो उसको बार बार डर लगा रहता होगा कि इन दोनों कहीं सेपरेट ना हो जाए या ये बच्चा घर छोड़ के ना चला जाए। इस ये अंडर प्रेशर वो रहती है कंटिन्यूअस, तो एंग्जायटी, वरी, फैमिली, और बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी है, खुद के दम पे अपनी फैमिली चला रही है। लड़का नहीं कुछ काम करता, हस्बैंड काम नहीं कर सकता, उसे कुछ कंप्लेंट नहीं है उसकी, उसने ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि हस्बैंड कुछ काम नहीं करते, उसने खुद से नहीं बताया। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल मानती है खुद को, और सब सह रही है वो चुपचाप, और करते जा रही है अपना। तो मुझे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है, ओके, डीली विथ वेरी नाइस हेलिना। सर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मैम। थैंक यू। जी थैंक यू सुरेखा मैम। जी और बताइए। हेलो मैम। सर पेशेंट के सब प्रॉब्लम पे, अगर उसका बेटा ही है, कुछ काम करता नहीं है और पापा से झगड़ा करते बैठे हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज, लव डोंट वर्क, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और पूरे पूरे पे इतना हो रहा है, लेकिन वो हार्मोनी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अफेक्शनेट है। मुझे वैनिला लगी सर मैम। ओके सर, गुड, थैंक यू सर। हेलो मैम। मैम मुझे भी ये कार्सिनोसिन ही लग रही है। एक तो एंग्जायटी है अपने बेटे की है, और घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये कुछ नहीं बोलती है। तो हार्मनी डिजायर है, क्वारलिंग अवर्जन है, यील्डिंग भी है इसके भीतर, और इरेजोल्यूशन है, ये कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। एंटीसिपेशन भी मुझसे दिखा, क्योंकि पहले इसका यूट्रस निकाला गया है, तो अभी ये बीमारी हुई है, तो ये कॉशियस एंग्शियस हो गई है, और एंग्जाइटी एंटीसिपेटरी भी मुझे दिख रहा है, माइल्ड है, और कॉन्फिडेंस वांट्स भी मुझे लगा, और इस तरह से ये मुझे भी कार्सिनोसिन की ही तरफ जाती हुई देखी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रखी है, और हस्बैंड और बेटे में लड़ाई होता है, ये चुप रह जाती है, जिस कंफर्ट में तो जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, रिजोल्यूशन मुझे दिखा, मुझे भी ये कार्सी दिख रही। ई रिजोल्यूशन कैसे मैम लिया, मैं समझी नहीं। ये कुछ कर नहीं पा रहे ना, बेटे और हस्बैंड दोनों, तो कोई निर्णय नहीं, डिसीजन कहाँ ले पा रहे, डिसीजन किसी ढंग का, या ना बेटे को डांट पा रही है, कुछ कह पा रही है, घर का जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसमें कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेसनेस टाइप की है, कोई निर्णय नहीं, निर्णय लेता है ना आदमी कि ऐसा मत करो, या इस तरह की परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो डिसीजन आती है ना मैम, लेकिन कोई डिसीजन कहाँ, बस वो ये
ये पेशेंट ऐसा कहाँ बोला कि मैं हेल्पलेस फील करती हूँ या मैं कुछ बता नहीं पा नहीं, रही, नहीं इसने तो बताया ये नहीं, बोला। उसने बोला नहीं, लेकिन जो परिस्थिति उसने जो सिचुएशन है क्या है, आपके घर में ये चीजें हो रही है, आप कुछ ना कर पा रहे हो, फील तो अच्छा नहीं करा, बेटर फीलिंग तो नहीं है इसे, क्योंकि इस तरह की माहौल है जहाँ ये पीस और सेरेनिटी चाहती है, बताया नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन इसकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, फील से तो मुझे ऐसा ही लगा, मैं फील वाइज मुझे ऐसा लगा। फील बहुत अच्छा पकड़ा मैम, लेकिन जैसे कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने बोला कि वो कुछ कर नहीं पा रही है या वो ऐसी पेशेंट में है, लेकिन पेशेंट के वर्जन में से कुछ नहीं आया है, और हम जो रूबरी कहते हैं ना वो मॉर्बिड होनी चाहिए कि पेशेंट को वो चीज बहुत फील होनी चाहिए, ठीक है, वो पेशेंट डायरेक्टली डायरेक्ट बोलना चाहिए। तो यहाँ पे पेशेंट ने क्या बोला, हम अगर उसको समझे, पेशेंट ने क्या बोला कि मेरी वजह से ही ये दोनों साथ में हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस क्या बोलते हैं उस एनवायर उस तक ला पाई है कि फैमिली का एनवायरनमेंट बना हुआ है कि मेरी वजह से हाँ साथ में हैं ये लोग, नहीं तो ये चला जाता। तो हाँ यहाँ पे इसकी इनकैपेसिटी नहीं लगेगी ना मैम, हमें हेल्पलेस तो कब लगेगा, अगर वो ये बोलती, भले सत्र लेवल पर हमें रूब्रिक मिले, लेकिन अगर वो ये बोलती कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं या पता नहीं क्या होगा या मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला ना मैम, उसने क्या बोला कि मेरी वजह से ही ये दोनों घर में हैं, साथ में हैं, तो यहाँ पे ई रेजोल्यूशन जो आप कर रहे हो वो नहीं आएगा। ई रेजोल्यूशन उसको उसको पता नहीं होता कि ये करूँ या ये करूँ, और ई हाँ रेजोल्यूशन से तो मुझे इसमें पेशेंट ने तो कुछ भी नहीं बोला है। तो मेडिसिन हम बाद में देखेंगे, लेकिन इरिजोल्यूशन और एंटिसिपेशन जो है, एंटिसिपेशन में भी क्या होता है ना, क्या होगा क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट का क्या था कि चल डेफिनेटली हमने देखा ना कि उसकी लाइफ में बीपी, डायबिटीज, थायराइड और डायबिटीज है वो तो ठीक है, लेकिन साथ में उसने ऑपरेशन भी करवाया है ना, और उसके बाद उसको ये कंप्लेन आ गई, तो उसको लगेगा ना कि ये कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो चीज उसने मेंशन की। बाकी एंटीसिपेशन कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि और कोई टेंशन है, तो उसने यही बोला कि नहीं सब ठीक है ना, तो एंटीसिपेशन वाला तो बोलता कि हाँ थोड़ा डर है आगे क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज उन्हें नहीं बोली है ना। तो बाकी सारे रूब्रिक्स आपके सही हैं, लेकिन ये दोनों रूब्रिक हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे, है ओके ना। मैम, ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ मैम, ये पेशेंट को 15 साल से हाइपोथायरायडिज्म है, 8 साल से डायबिटीज है, तो ये पेशेंट ने काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी है, यानी इसको जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आ रहे हैं। शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हस्बैंड एंड हिज चाइल्ड, और दोनों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रही है, और कंटेंट भी मुझे बहुत लगी वो। एंड वो पूछ रहे कि होम्योपैथिक दवाई से शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा, तो इसके मन में कई फिर इंजर बींग इंजर का भी फील है, तो आई फील शी इज मोर कार्सिनोसिन। ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू। हेलो मैम, गुड थैंक यू। तो सर इवनिंग। सर हाँ बोलिए सर। हाँ, मुझे भी वेनिला का फील आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम केयर वर्ड फुल ऑफ लव्ड वन है ना, और साथ में ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, कहते हैं कि इतना मतलब ये होने के बावजूद भी लेडीज कर रही है, उसका हस्बैंड बोला कि ये तो फिर बोली बोलती क्या है, अरे देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लो ना, तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब इतना केयर में रखी हुई है, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट है ही, हार्मोनी डिजायर है ही, और फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड भी है कि इसके वजह से कहीं और तो ना हो जाएगा, और साथ में थोड़ा फियर सफरिंग भी है जो उस हिसाब से दिखाई नहीं, क्योंकि एक बार यूट्रस बल्कि हुआ तो उसको ऑपरेट कराना पड़ा, इसके बाद तुरंत तो उसको ब्रेस्ट में अभी पेन हो रहा, तो उसको डर तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेस्ट को भी ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो ये सोच के मुझे वेनिला का फील आ रहा। वेरी नाइस सर, थैंक यू। मैडम गुड इवनिंग मैडम। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, मुझे लगता है ये जो पर्सन है एक्चुअली टेकिंग टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट टेक्स टू सीरियसली,
एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली एंड थोड़ा सा ये जो सेफ्टी चाहते फैमिली का सेफ्टी बारे में एंग्जाइटी फैमिली अबाउट फॉर द सेफ्टी ऑफ द फैमिली एंड एंग्जाइटी फैमिली अबाउट एंड उसका तकलीफ जो शुरू हुआ जो फैमिली में डिस्कॉर्ड हो गया एलिमेंट्स बिटवीन डिस्कॉर्ड्स इन फैमिली मेंबर्स वो चार रूबरू इसको लेकर मुझे लैक इक्विनम लगता है। हेलो मैम, मुझे वेल ड्रेस्ड आई थी और काफी माइल्ड थी आपने बोला, तो माइल्डनेस और वेल ड्रेस्ड वो ये करके बच्चे के बारे में एंजाइटी थी उसको और एक सटल ईगो लगा उसमें, वो बोली ना कि मतलब हस्बैंड और बेटे के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें मैं इन्वॉल्व होके मैंने उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सॉल्व किए ताकि नहीं तो बेटा चले जाता घर से, तो एक सटल ईगो लग रहा था तो इसलिए मैंने पकड़ा था। डिल्यूजन मैन डज ऑल द थिंग्स दैट ही डज, कहीं ना कहीं इतने सालों से काम कर रही है तो एक ईगो आता है, यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस एंड यू बिकम द हेड ऑफ द हाउस सॉर्ट ऑफ, तो मुझे आर्सेनिक एल्बम लग रही थी यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू मैम, नाइस एनालिसिस। जी और बताइए। हेलो जी बताइए, और कोई ऐड करना चाहते हैं? और भी दो तीन क्वेश्चन थी एनालिसिस में, तो वो लोग भी प्लीज अपना एनालिसिस शेयर करें फिर मैं बताती हूँ। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं बोलूँ कुछ? मैम मुझे तो ये लेडी को बहुत रिस्पॉन्सिबल लगा, पहले जो आपने केस शेयर किया था तो उसमें पढ़ के मुझे ऐसे लगा था कि ये बाप बेटे के बीच बहुत पीस रहा है, मतलब ये बहुत माइल्ड लेडी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो बाद में आपने जो एडिशनल किया उसमें से पता चला कि घर में ये अकेला लेडी है जो मैंने जिसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड कर रहा है, हस्बैंड अभी घर पे है, बेटा भी एक नालायक है, बेकार खर्चा करवाता है, तो उसके साथ दोनों को लड़ाई हो जाता है और वो इसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये हारमोनियस में है तो ये चाहता है कि सब शांति से रहो, तो ये भी कंटेंट में जैसा लग रहा है कि आप चिंता मत करो, आप अपना हेल्थ खराब मत करो, आप आराम से रहो, मैं संभालता हूँ, तो ऐसा सोच के मुझे टीटीकम वल्गरिस लग रहा था मैम, तो मतलब मैंने हाँ देखा था कि एक रूपी डीडी में तो हाँ मैम डीडी अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद बोलता हूँ मैम। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम। हेलो मैडम, मुझे भी इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगी थी, एक तो ये नर्चर कर रही है, मेन तो इसकी नर्चरिंग है, दोनों को कर रही है, अपने हस्बैंड को भी और अपने बेटे को भी, तो नर्चरिंग बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर दिखी, और दूसरा ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखी, इसीलिए मुझे भी ये ट्रिटिकम का ही फील आया। ओके सर,
जी, और बताइए। और कोई शेयर करना चाहेगा अंडरस्टैंडिंग, या मैं बता दूं सर? सभी सर जी मैम, डिस्क्लोज करूं क्या? जी मैम, बाद में जो भी क्वेरीज होंगी वो लेते हैं फिर डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक। तो देख, मैंने इस केस में क्या सोचा कि जैसे स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग ऑफ पेशेंट हम बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से हमें बहुत चीज पता है पेशेंट पर। ये पेशेंट का जो हाउ था बहुत अच्छे से, वेल बिहेव थी, वेल ड्रेस्ड थी, माइल्ड पर्सनालिटी थी, तो माइल्डनेस एंड अफेक्शनेट, बहुत अच्छे से उसने बात की। ठीक है, फिर जैसे उसने बताया कि मुझे 8 महीने से तकलीफ है, और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मतलब इसको लेके दवाई क्यों नहीं ले रहे थे, तो उसने बोला कि नहीं अब दवाई लेनी है क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है। और फिर जिन्होंने उसको पूछा कि क्या चलते रहता है, तब उन्होंने मुझे बताया कि यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और डायबिटीज है, थायराइड है ना, तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे पूछने पे बताई थी। तो यहाँ पे वैसी मेडिसिन रूल आउट हो जाएंगी कि जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ओवर एंग्जियस है या अपनी बहुत चिंता करती है, कि अपने लिए बहुत सोचने वाली, जैसे कुछ पेशेंट आके हमें बताते हैं मुझे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, आर्सेनिक है या कैल्केरिया है, स्ट्रेमोनियम है, वैसे मेडिसिन से वो यहाँ पे हमारे यहाँ से हट जाएगी, रूल आउट हो जाएगी, है ना। बहुत काम है, माइल्ड अफेक्शनेट और अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने वाली मेडिसिन थी। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई लाइफ में और क्या चलता रहता है, तो भी उन्होंने क्या एकदम अच्छे से स्माइल देके बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रूबरी जाएगा पॉजिटिवनेस कि इतनी चीजें हैं उसके बाद भी ये बहुत स्माइल करके अच्छे से कंटेंट ये भी ले सकते हैं कि इतनी चीजें हैं लेकिन वो ठीक है कुछ नहीं है ना, तो कंटेंट ले सकते हैं या पॉजिटिवनेस ये ले सकते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं खाती हूँ ये सब चीजें, स्ट्रेस का पूछा तब भी उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने बोला कि बस ये खाया नहीं जाता है, थकान लगती है ये सब। ठीक है, और जैसे हम लोग पैथोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना साइकोडायनेमिक्स, तो साइकोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे तब भी हमें लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम घर में चल रही है, कि यूट्रस बाहर निकल गया और उसको निकलवाना पड़ा ऑपरेशन करके, अभी उनको ब्रेस्ट से प्रॉब्लम है, तो सीधा हमें पता चलता है कि आईपीआर से रिलेटेड कुछ गड़बड़ है। तो और ये लेडी को जैसे जो उन्होंने लास्ट में स्टोरी बताई कि हाँ मेरा बेटे लेके चिंता है, वो डायरेक्टली वैसे उन्होंने नहीं बताया था, थोड़ा अनकम्फर्टेबल हुई। मैंने उसे पूछा कि बेटे को लेके है, तो बोले हाँ वो गुस्सा करता है और काम नहीं करता है ना। तो वो जो बताने का तरीका था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेशेंट अपने लिए सोचने वाला या वैसा होगा ना, वो गुस्से से बताएगा। उन्होंने बहुत शांति से बताया था कि हाँ वो गुस्सा भी ज्यादा करता है और काम भी कुछ नहीं करता है। तो ये सिंपल था कि बेटे को लेके चिंता थी, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, है ना, और उसके फादर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, तो उसने ये बोला कि मेरी वजह से ही दोनों साथ में हैं। यानी ये पेशेंट ने फादर को और उसके बेटे को दोनों को अच्छे से बैलेंस करके रखा है, कोशिश करके। ठीक है, दोनों को मनाती है, इसको अलग मनाती है, हस्बैंड को समझाती है कि आप चिंता मत करो, आप अपनी हेल्थ खराब मत करो, बेटे को समझाती है कि कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं पढ़ पाया, आगे अच्छे से पढ़ना, आगे से अच्छे से करना, है ना। तो ये एफर्ट डाल के घर की हार्मनी को मेंटेन कर रही है, तो यहाँ पे हमें रूब्रिक मिल सकता है हार्मनी डिजायर फोर, है ना। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सबको लगा कि ये लेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, क्योंकि इसको खुद को भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं करूंगी, जिसको जैसे करना है मैनेज करो, लेकिन ये जॉब कर रही है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से इसने ली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। फिर इसको इतनी तकलीफ है लेकिन फिर भी ये जॉब कर रही है और दूसरों का सोच रही है कि बेटे का कैसे होगा, हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, तो एंग्जाइटी फैमिली अबाउट थिंग, जैसे इसने इसके लिए बोला कि मुझे ये दवाई नुकसान तो नहीं करेगी, तो यहाँ पे दो रूब्रिक जैसे सबने बताया कि फियर इंजुरी बीइंग इंजुर्ड, कि ऑलरेडी इतनी इंजुरी हो चुकी है, अब और कुछ लूंगी और कुछ डायबिटीज बढ़ गया या कुछ हो गया तो,
तो फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड भी ले सकते हैं या फियर सफरिंग भी ले सकते हैं। और ये पेशेंट इतना क्यों कर रही थी आईपीआर के लिए, जब हम लोग केयर वरीज एलिमेंट फ्रॉम केयर वरीज भी सोच सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉब्लम से शुरू हुई है ना, तो सबकी केयर भी कर रही थी और सबके लिए चिंता भी कर रही थी। तो एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, ठीक है, और पेशेंट का क्या रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से, इतना कुछ सबके लिए सोचने की वजह से उसको प्रॉब्लम आई, तो एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा जो था कि पेशेंट पूरा ओवरऑल अगर जिस क्या लगेगा ना कि लेडी की लाइफ कैसी है, ये खुद पूरा ऐसा नहीं था कि हस्बैंड शुरू से काम कर रहे थे, अभी रिसेंटली उन्होंने छोड़ दिया था कुछ दिनों से, मतलब 2-5 साल से वो घर में था, कि उन्होंने उस टाइम से दोनों ने साथ में मिलके किया था, लेकिन कुछ टाइम से पूरा कर रही, और ये तो शुरू से कर रही थी, अभी इतनी उनको प्रॉब्लम है, फिर भी अकेले घर को सब कुछ मैनेज करना है, तो यहाँ पे एक रूब्रिक सटल लेवल पे हमें लगेगा। लाइफ स्ट्रगल हैज बीन अ लॉन्ग हार्ड, है ना, इसकी लाइफ अगर हम देखें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सबका कर रही है, सेल्फलेस होके कर रही है, और सारी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अभी तक लाइफ में उसकी स्ट्रगल ही है, क्योंकि उस उन जब उसके हस्बैंड आए थे तब वो लोग यही बोल रहे थे कि हमें लगता है बेटी तो सेट हो गई, हमारी उम्र हो रही है, तो हम कब तक इसका करेंगे ना, अगर ये पढ़ के कहीं सेट नहीं हुआ तो कोई लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी, तो ये वैसे ही इधर उधर चला जाएगा, तो इसको ये चिंता थी कि मुझे मेरी लाइफ में इन दोनों को सेट करना है। हस्बैंड के लिए भी चिंता थी कि इनको कुछ हो ना जाए, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊंगी, बेटे के लिए भी चिंता थी, वो सारा कुछ अकेले मैनेज कर रही थी, तो एक हार्ट उसने बोला ना लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो ये सटल लेवल पे मैंने एक रूब्रिक सोचा था, लाइफ हैज बीन लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, है ना, पूरी लाइफ इसकी ऑलमोस्ट स्ट्रगल जैसी लग रही थी। 59 एज है, लेकिन पूरा सुबह से शाम तक उसको काम भी करना है, और घर जाके फिर दोनों की लड़ाई हो रही है या कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो उसको भी सॉल्व करना है, तो ये पूरी लाइफ की इसकी जर्नी थी, इस पे से मैंने इसको मेडिसिन बताइए आप लोग क्या देंगे। कार्सिनोसिन मैम, कार्सिनोसिन मैम, दीदी मेरा कार्सिनोसिन दिया था मैंने इनको, और कार्सिनोसिन 200 के डोज दिए थे, 3 डोज ही दिए थे, कि बहुत सीवियर, अभी जो इनकी प्रॉब्लम थी बहुत सीवियर नहीं थी, जैसे उनको कभी इच हो रहा था और कभी कभी पेन हो रहा था, तो मैंने 3 डोज ही लेने को बोला था, और हफ्ते बाद जब आई तभी उनको काफी पेन बिल्कुल चला गया था, इचिंग बहुत कम हो गई थी, और सेकंड वीक में बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सेकंड में जब फॉलो अप में आया तब पूरी लाइफ के बारे में हस्बैंड ने बताया था, तो मुझे थोड़ा और पता चला था, मेरी मेडिसिन और कन्फर्म हो गई थी कि ये कार्सिनोसिन ही है। अब आप लोगों को कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, मैंने पूरी जर्नी वगैरह नहीं तैयार की है, बट ये केस में जो जो रूब्रिक है जो मुझे लगे वो मैंने आपको शेयर किए, पर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछिए। दूसरों के लिए शहीद होने वाला कार्सिनोसिस मैम, सेल्फलेस है बिल्कुल, ये मतलब इसने कहीं भी नहीं बोला कि मेरा क्या होगा या मैं मुझे कुछ हो इसको, और अगर इसको ठीक भी रहना था, अगर एंजाइटी हेल्थ भी थी तो इसीलिए थी कि मुझे आगे देखना है ना, बेटा जब तक सेट नहीं होता तब तक अगर मैं भी नहीं करूंगी तो फिर कैसे होगा, तो वो बेटे को उसके अंदर बहुत ये चिंता थी कि बेटा कहीं से भी कैसे भी सही रास्ते पे चला जाए, एक बार कोई डिग्री कंप्लीट कर ले और कुछ उसको जॉब मिल जाए, उसको शादी हो जाए, तो ये चिंता उसके सटल लेवल पे थी, उसने डिस्कस नहीं की, लेकिन जब हस्बैंड आया तो मुझे पूरी कहानी की पता चल गई थी, तो ये कार्सिनोसिन थी। ऐसे किसे डिडिक करेंगे, वेरी नाइस केस मैम, बहुत ही सुंदर, थैंक यू मैम। किसको कुछ क्वेरी है? हेलो, हाँ मैम, हाँ वैनिला से किसे डिडिक करेंगे? देखो वेनीला क्या है ना, वेनीला जो है वो ऑर्किड है, ठीक है, तो वेनीला जो है वो इतना देती है ना, वो सामने से इतना एक्सपेक्ट भी करती है, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है, ठीक है, लेकिन हार्मनी में ही है, तो वेनीला हमें लग सकती है केयर्स वरी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वेनीला है ना एक्सपेक्ट भी करती है, तो वेनीला कहीं ना कहीं आईपीआर को गुस्सा भी करती है कि बेटे को वो गुस्सा उसने बिल्कुल नहीं किया, वो प्यार से ही समझा रही थी, लेकिन वेनिला अगर होती ना तो बेटे को गुस्सा दिखता उसका, वो बेटे को बोलती कि क्या चल रहा है तेरा, बार बार ही नया नया कोर्स लर्न कर रहा, वो इरिटेट होके उसके बारे में बताती, इरिटेबिलिटी आपको कहीं दिखती आईपीआर के लिए, क्योंकि उसको वेनिला का वो होता है कि उसको ऑर्डर मेंटेन करना है,
अगर उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता ना, उसका चाहे घर हो, चाहे उसका प्रेजेंटेशन, उसका दिखावा हो या उसका किसी भी आईपीआर हो, उसको सब चीजें बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल चाहिए, नहीं होती है ना, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसका ऑर्डर कैसे डिसऑर्डर में हो, और वो रिएक्ट करती है. वेनिला ऑलवेज विल रिएक्ट कि तुम गलत कर रहे हो. कहीं भी उसको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ना, तो वो रिएक्ट करती है आईपीआर को, या किसी भी रिलेशन में फ्रेंड्स होगा या किसी भी रिलेशन में उसका गिव एंड टेक रहता है. बहुत बड़ा प्लांट नहीं है वो, ऑर्किड है, मतलब लेना देना. हमारे मनोज सर ने वीडियो ऑडियो डाला था, बहुत अच्छा है, मैं चंद्रा सर के साथ डिस्कशन का, आप लोग सब लोगों सुनना वेनिला का. वेनिला देना और लेना दोनों चाहती है. और ये चीज यहाँ पे मुझे ये केस में नहीं लगी, इसमें कहीं भी बच्चे के लिए कोई गुस्सा या किसी भी आईपीआर के लिए गुस्सा कि भाई हस्बैंड घर पे बैठे और मुझे ही करना पड़ता है, या बेटा नहीं कर रहा है मुझे ही करना पड़ता है. वेनिला में आपको कहीं ना कहीं चीज दिखेगी. वेनिला को हस्बैंड पे भी गुस्सा आएगा कहीं ना कहीं कि घर का काम करके रखो, मैं घर का काम भी करके आती हूँ करती हूँ, तुम लोग लड़ते रहते हो. तो न वो हस्बैंड पे कर रही थी और बच्चे पे रिएक्ट कर रही थी. तो वो जो रिएक्शन वाला पार्ट था ना, वहां मैंने वेनिला रूल आउट की थी. वेनिला वैसे बहुत डिक्टेटोरियल मेड है ना, उसको कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सहन नहीं करती हूँ. वो होती तो बच्चा ऐसा ऐसा बिहेव करने नहीं देती, और वो बच्चों को निकल देती बाहर. वेनिला होती तो वेनिला मतलब उसको ऑर्डर डिजायर चाहिए, उसको बहुत डिक्टेटोरियल कॉन्ट्रडिक्शन उसको बिल्कुल सहन नहीं होता. उसको बेटे को सीधे रास्ते पे लाती, ऐसा उसको मतलब काम नहीं कर रहा बैठ कर रह रहा, वो सहन ही नहीं होता वेनिला को. ये बिल्कुल सही होता है मैम. अच्छा हो गया डीडी, मस्त केस मैम. थैंक यू, थैंक यू सर. तो वेनिला कभी भी ये शुरू से जिस पहली बार जब लड़का ऐसा करता है ना, तो उसको बोल देती ये नहीं चलेगा मेरे घर में, तेरे को पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो मैं तेरी फीस दोबारा नहीं भरूंगी. लेकिन ये कर रही थी, और इवन हस्बैंड को भी समझा रही थी कि आप बात करो वो कर लेगा एक दिन, है ना. तो वेनिला ऐसा नहीं करती, वेनिला पूरा रिएक्शन ही उसका अलग हो जाता. आई होप रिंकू मैम आपको समझ में आया. थैंक यू. हाँ हाँ तो हेलो मैम, ट्रीटिकम डीडी कैसे करेंगे? ट्रीटिकम का भी मैम ऐसे ही रहता है. देखो ट्रीटिकम भी पर्विन सर ने जब लिया था तब हम समझाया कि वो भी एक ग्रास फैमिली से है ना, तो बहुत यील्डिंग होता है, ठीक है. और ट्रीटिकम को ओपिनियन चाहिए. ट्रीटिकम इतना यील्डिंग क्यों करता है ना, उसको गुड ओपिनियन चाहिए. और ये पेशेंट इतना कर रही थी, उसके बाद भी उसने कहीं ऐसा नहीं बोला कि मुझे कुछ एप्रिसिएशन चाहिए या कुछ चाहिए, है ना. ट्रीटिकम कंपेयर कर जाता है दिस इज टू अदर्स, ये हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी. ट्रीटिकम तो अलग शायद उसका रिएक्शन होता, लेकिन इसमें अपनी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ घर की हार्मनी मेंटेन की. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ट्रीटिकम थोड़ी माइल्ड होती है, सोशल बहुत होती है, अच्छे से करती है सबके लिए. लेकिन हाउ द पेशेंट या हार्मनी में ट्रीटिकम नहीं है कि भाई सबको मैनेज करने वाला उसमें नहीं है, वो तो यील्ड कर जाती है ट्रीटिकम. तो इसलिए मैंने ट्रीटिकम का नहीं सोचा था. एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट ये रूब्रिक में भी ट्रीटिकम नहीं है, तो इसलिए मैंने ट्रीटिकम नहीं सोचा था. ओके मुझे ये पूछना था, आपने जब पेशेंट को स्ट्रेस के लिए प्रोब किया तो उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया, तो मुझे वहां ऐसा एम्बेरसमेंट का फील आया. तो मैम मैं सोच रही थी अगर वो रूब्रिक होता क्या, बिकॉज शी हेजिटेटेड. मैम देखो लिखने में मैंने लिखा हेजिटेशन, लेकिन वो इसका मेरे पास वीडियो नहीं है, अदरवाइज मैं वीडियो डालती हूँ. लेकिन और ऑडियो भी था, वो पुराने फोन में डिलीट हो गया. पर हेजिटेशन जो होती है ना, वो देखने पे हमें पता चलता है कि ये हेरेसिंग क्या है, ये हेजिटेशन क्या है. उसका क्या था ना, नहीं नहीं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है. तो ये एक तरह का कंटेंटनेस
तरह की पॉजिटिवनेस दिखी मुझे आप. ओके मैम. मतलब हाउ कैसे देख वीडियो पे से अगर आप देखते तो ज्यादा आपको क्लियर होता कि एम्बेरसमेंट नहीं था. एम्बेरसमेंट में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है और हम एम्बेरस होते हैं. लाइक मेरी सपोज मेरा ड्रेस में दाग लगा हुआ है या मेरी सैंडल टूटी हुई है या कुछ ऐसा हो गया जो मुझ में कमी है और फिर सामने वाले को दिखता है तो हम एम्बेरस होते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. मैंने जब उनसे पूछा था और उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया, मतलब हेजिटेट इन द सेंस उन्होंने बोला था नहीं, बेटे की बात आई तब वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई थी, बट उन्होंने वो भी अच्छे से बता दिया था मुझे बाद में. ओके थैंक यू. सरोजा मैम आप कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए. आ सकता है ना, लाइक शी हैज नॉट रिएक्टेड टू एनी सिचुएशन, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंटेंट नहीं है, कोई कभी भी गुस्सा नहीं दिखाया, इरिटेबल भी नहीं है, तो ऑल इमोशंस शी हैज सप्रेस्ड लाइक दैट एवरीथिंग. आई एम नॉट श्योर. मैं समझी नहीं मैम आप क्या कह रहे हैं. मैम एक रूब्रिक है ना इमोशन सप्रेस करके, हाँ वो आ सकता है क्या इसमें, ऐसा पूछ रही थी मैं. रेट्रो में सोच सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ जहाँ हमें पेशेंट कुछ नहीं कहता ना, अप्लाई हम करते हैं ऐसा नहीं है. रेट्रो में अगर हम लगाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन इसने ऐसा कुछ इमोशन ऐसा सप्रेस किया ऐसा मुझे लगा नहीं. कहीं मैं नहीं बता पा रही हूँ या मेरी फीलिंग में शेयर नहीं कर पा रही हूँ या बैठी है, ऐसा कुछ भी मुझे लगा था. ये फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, कर रही थी और सबकी इसको चिंता थी, तो मुझे इमोशंस वाला लगा नहीं, बट रेट्रो में हम हो सकते हैं. ओके ओके मैम थैंक यू. थैंक यू मैम. हेलो. हेलो मैम. हाँ मैम गुड इवनिंग. मैम लैग एक वायदम लग रहा था मुझे. लैग का है ना मैम, सबसे पहला तो वो एनिमल किंगडम है, ठीक है, और ये पेशेंट मुझे एनिमल किंगडम की जो एनर्जी होती है उसका जो हाउ होता है, एनिमल किंगडम को साथ में रहना है. लाइक अगर हम लैग इक्विनम की बात करें तो उसका क्या रहता है कि भाई उसको एक एनर्जी होती है ना, घोड़े में जैसी होती है, दौड़ता रहता है सबके लिए, फास्टिडियस है बहुत, रेस्ट नहीं कर सकता, उसको सारी चीजें परफेक्ट चाहिए और उसको एप्रिसिएशन चाहिए, है ना. तो यहाँ पे अगर डिस्कॉर्ड को लेके अगर हमने बाकी सारी चीजें सोच सकते हैं, चलो फास्टिडियस थी, लेकिन रेस्ट कैन नॉट वाला या एप्रिसिएशन वाला या अब्यूज वाला फीलिंग उसको नहीं था. उसने कहीं नहीं बोला कि मैं इतना कुछ करती हूँ, मुझे इतना करना पड़ता है, ऐसा कुछ फीलिंग मुझे नहीं आया था. ये अपने से कर रही थी. और जो डिस्कॉर्ड वाला पॉइंट है, तो डिस्कॉर्ड घर में था, लेकिन अगर डिस्कॉर्ड इसको इफेक्ट कर रहा होता इतना, क्योंकि डिस्कॉर्ड फ्रॉम फैमिली मेंबर सिंगल है, तो वो इतना उसको इफेक्ट कर रहा होता तो वो बोलती. इसने मुझे नहीं बोला, पेशेंट ने हमें कहीं पे भी नहीं बोला कि मेरे घर में लड़ाइयाँ होती है जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है. ये तो जब बेटे की बात आई तब उसने बोला कि बेटा नहीं करता है तो बाप और बेटे की लड़ाई होती रहती है. तो वो डिस्कॉर्ड उसको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था कि हम ये रूब्रिक लगाए कि एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड फ्रॉम फैमिली मेंबर. तो ये सोच के, और दूसरी जो थी चीजें लाइक लैग को साथ में रहना होता है, लैग इक्विनम को एप्रिसिएशन चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत दौड़ दौड़ के काम करता है, तो वो सारी चीजें फील मुझे नहीं आई थी मैम, तो इसलिए मैंने लैग इक्विनम नहीं सोचा था. ओके मैम. ओके थैंक यू. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. मैम कॉक्यूलस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कॉक्यूलस का भी है ना मैम, जैसे क्या होता है केयर वाला पार्ट तो है, ठीक है, कॉक्यूलस है, वेनिला है, सब केयरिंग है, लेकिन दूसरी चीजें हमें मैच करनी, ओवरऑल पिक्चर मैच करना है. तो यहाँ पे हार्मनी वाला पार्ट था. कॉक्यूलस क्या करता है ना, छोड़ देता है चीजों को, रिकॉग्नाइज कैन नॉट मूव इन कैटेप्सी. ये रूब्रिक किसी ने लिया था, लेकिन कैन नॉट मूव वाला मुझे फील नहीं आया. उसने ये नहीं बोला कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, कि ये चीजें तो ऐसी रहने वाली है ना, बाप बेटे तो झगड़ेंगे, उसमें क्या करूँ, झगड़ते रहते हैं, छोड़ दो, है ना, ये नहीं सुधरने वाले. तो कॉक्यूलस छोड़ देता है कहीं ना कहीं,
उसको सिर्फ केयर होती है बहुत, और सबके लिए केयर होती है ना। ये सिर्फ इसकी एनर्जी क्या थी कि भाई बेटा और ये ठीक से हो जाए, है ना। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट ये चीज थी, हार्मनी डिजायर, ये दोनों बहुत कोर रूबरिक थे एक से। तो कॉकुलस इसमें नहीं है, वो डल हो जाता है, केयर कर करके डल हो जाता है, वो केयर लेता करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और ये जो पेशेंट थी ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, क्योंकि उसकी भी तो खुद की एज थी, लेकिन उसको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो यहाँ मुझे केयर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, हार्मनी था, एंग्जाइटी चिल्ड्रन था, तो इसलिए, और डलनेस भी नहीं थी। कॉकुलस तो डल हो जाता है, लेकिन कार्सिनोसिन हाई स्पिरिटेड रहता है कि कितनी भी हार्ड स्ट्रगल होगी मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन और लव फॉर फैमिली में भी है ना, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और सब कुछ सही होना चाहिए, मैं करूंगा। तो हाई स्पिरिटेड रहता है कि नहीं मैं कर लूंगा, और कॉकुलस तो करते करते डल हो जाती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुझे कॉकुलस नहीं लगी थी। थैंक यू मैम। थैंक यू एक दो मेडिसिन और आई थी, आर्सेनिक भी बोला था। तो आर्सेनिक का है ना, वो अगर आता ना तो वो एंग्जाइटी उसकी हेल्थ के रिलेटेड भी होती, उसकी खुद की भी, क्योंकि आर्सेनिक है ना खुद के लिए भी सोचता है, फैमिली के लिए भी सोचता है, लेकिन इसने खुद की एंग्जाइटी की भी, मुझे ये भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ है, इसको कैरेट डिजायर फास्ट वाला है आर्सेनिक, तो वो चीजें मुझे इस केस में नहीं लगी। सिक्योरिटी, मनी को लेके कोई प्रॉब्लम उसने नहीं बताया कि बेटा इतना खर्चा करता है, और अगर आर्सेनिक होता ना तो कहीं ना कहीं बेटे को धुलाई वो करता है ना, मैन ऑफ द हाउस होता है, सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन वो बेटे को डांटता, आर्सेनिक डिक्टेटोरियल है ना, वो बेटे को डांटती कि ये क्या कर रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर ठीक नहीं है, और ऊपर से पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो वो चीज इस केस में नहीं थी, इनसिक्योरिटी जो मनी को लेके, हेल्थ को लेके जो रहती है, एंग्जाइटी जो रहती है, वो चीजें नहीं थी, तो इसलिए मैंने आर्सेनिक भी नहीं सोचा था। फिर एक सेपिया भी किसी ने बोला था, तो सेपिया तो पुअर होती है ना, मतलब इतना करना, इतनी बीमारी के बाद भी करना, और वो करती क्यों है, वो अपने को घिसती क्यों है, क्योंकि उसको चाहिए अप्रिसिएशन कि मेरा रेसिप्रोकेशन, मैं इतना, मेरा एक वजूद बने ना घर में। लेकिन ये तो खुद इतना अच्छे से करती कि इसके हस्बैंड को भी फील हो रहा था ये चीज कि ये इतना कर रही है तो मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ऊपर से ये बेटा कैसा है ना। तो वो सेपिया पुअर वाली फीलिंग है कि भाई बिल्कुल कुछ है ही नहीं मेरे में, उसको तो बहुत कमी होती है उसके अंदर, हर चीज को उसको लगता है कि मुझ में कम है। सेपिया अच्छे भी होगी ना तो भी उसको कहीं ना कहीं कमी किसी चीज में तो लगेगी, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, या मेरे फैमिली में ऐसा है, तो वो सेपिया कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी इसने तो यही बोला था कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव थी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने सेपिया भी नहीं सोचा था। सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं दीदी बता रही हूँ कि कैसे? यस मैम, बहुत अच्छा केस था, बहुत चीज समझ में आ गया। थैंक यू। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ, तो मैं उस चीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट हर केयर वाली मेडिसिन में ना बहुत सटल डिफरेंस होता है। एक मेडिसिन आई थी ब्लासेंटा, है ना, पूजा मैम ने शायद बोला था ब्लासेंटा। तो ब्लासेंटा का कोर क्या होता है ना कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एग्जर्ट करता है फॉर आइडियलिज्म, एग्जॉशन फॉर आइडियलिज्म, मतलब बहुत ज्यादा कर लेता है, हमें लगता है रुक ना, लाइक जैसे हमने अभी देखा था सिंगारा सर का केस, बहुत ज्यादा कर देती है भाई, उसकी उम्र नहीं है लेकिन बेटे के लिए करे जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये करे जा रही है, ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी चीजों को,
किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी करने करने वाला पार्ट भी नहीं था. उसको केयर थी, वरी थी, लेकिन साथ में अपना जॉब कर रही है, अपने लिए दवाई लेने आई है. ऐसा नहीं है कि बस बेटे को ही लेके बैठ गई है. ओवर वाला जैसे मदर से बहुत अटैच है या ऐसा कुछ पार्ट भी इसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने प्लासेंटा भी नहीं सोचा था. प्लासेंटा मदर से बहुत अटैच रहती है, बहुत ही ज्यादा करती है. लाइक फैमिली के लिए उसको वो डिफ्लोरेटम और ये सभी मेडिसिन बहुत पास पास में आती है कि खुद का नहीं सोच के करने वाले, लेकिन हार्मनी और ये जो पॉइंट है वो कार्सिनोसिन से उसको अलग कर रहे थे. सब लोग एकदम चुप हो गए हैं, कोई तो कुछ बोलो. हेलो मैम, मेरे चार्ट में कैल्केरिया कार्ब आई थी. कैल्केरिया कार्ब? हाँ मैम. आप पूरा केस को ओवरऑल अगर चार्ट में आ रही है ना, तो हमें पहले सोचना है. लाइक सपोज हमारे चार्ट में तीन मेडिसिन आ रही है, तो हमें सोचना है कि तीनों में से क्या हो सकता है, पिक्चर किससे मैच हो. कैल्केरिया इतना करेगा आपको लगता है? कैल्केरिया खुद तो ओवर प्रोटेक्शन में रहता है ना, उसके अंदर इतना दम नहीं होता कैल्केरिया के अंदर कि पूरी फैमिली को संभाल ले, हारमोनी को मेंटेन करे. उल्टा होता है, कैल्केरिया को उसका आईटीआर संभालता है. एंटी रन अबाउट में है कैल्केरिया, लेकिन इतना दम नहीं होता है. वो कहने का होता है, ऊपर ऊपर का होता है. वो चिल्ड्रन की इसलिए एंग्जाइटी होती है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना. क्योंकि वो परेशान हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना कैल्केरिया परेशान हो जाता है. उसको प्रिक ऑफ द नीडल होता है तो भी वो दौड़ने लगता है. स्टार्टिंग एट द पिक ऑफ नीडल, वो इतने डिसीज के बाद जॉब करे और फाइनेंशियली और हार्मनी को मेंटेन करे, ऐसा कैल्केरिया हो ही नहीं सकता. बहुत ओवर प्रोटेक्शन में रहने की वजह से ना डिपेंडेंट होता है वो आईपीआर के बिना कुछ कर ही नहीं सकता. उसको चाहिए उसको सपोर्ट. और यहाँ उल्टा था, पेशेंट सपोर्ट कर रहा था फैमिली को, तो वो कैल्केरिया वहां से उसने डिसी तब मुझे बताया जब मैंने उससे पूछा. कैल्केरिया होता तो पूरी लिस्ट पहले बताता, मुझे तो ये है, मुझे तो ये है, मुझे तो ये है, कुछ होगा तो नहीं आगे, ये तो नहीं हो जाएगा, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, है ना. तो वो लाइट में रहता है, लाइट डिजायर फॉर्म में रहता है, एंजाइटी डार्क इन में रहता है. ठीक हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. उसका हाउ ऐसा हैगा कैल्केरिया का. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू मैम. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. हार्मनी डिजायर में काली सेल्फ भी है, तो वो डिफरेंशिएट हो चुका है? मैं लेट आई हूं. बट आपको काली सेल्फ क्यों लगा, आप मुझे पहले ये बताइए. आपको काली सेल्फ कहाँ लगा, हार्मनी वाले के अलावा और कोई रूब्रिक? क्योंकि एक रूब्रिक पे तो हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे. एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और घर को संभाल के रखती है. काली सेल्फ है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में? नहीं, मैं तो मैम खाली हार्मनी से मैं खाली डिफरेंशिएट कर रही थी बस. अच्छा, नहीं मैम, एक रूब्रिक नहीं पकड़ना है. एटलीस्ट तीन रूब्रिक हमारे पास होने चाहिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को रेडी करने के लिए. नहीं है मैम, काली फॉस नहीं है.
अगर किसी भी पेशेंट को लेना है तो एटलीस्ट 3 फॉर्म रूब्रिक, 3 से ज्यादा लोड तो चलेगा लेकिन मिनिमम 3 चाहिए, और बहुत सारे रूब्रिक्स भी नहीं लेने चाहिए, नहीं तो सारी मेडिसिन आ जाती है, फिर तो बहुत सारा डीडी करो या तो फिर चुक्केबाजी करो। तो कोर जो लगता है आप 2-4 रूब्रिक लो, 2-4 रूब्रिक में जो मेडिसिन आ रही है उसके कोर को समझो कि भाई ये मेडिसिन, मेडिसिन को छोड़ दो, ये पेशेंट कैसा है, ये पेशेंट पे आपको क्या लगा, पेशेंट को देख के आपको बात करके उसे कैसा फील आया, और उसके बाद वो 4 मेडिसिन में से आप सिलेक्ट करोगे ना तो आपके फेल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हेलो हेलो जी मैम, आपको ऐड करना चाहते हैं परवीन सर, मतलब डीडी अगर कुछ लगता है आपको या इसमें प्लीज ऐड कीजिए सर। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे ऐसा कुछ और ऐड करने जैसा नहीं लगता है, केस बहुत बढ़िया है। जी तो बस मेरे को एक लाइन ये ऐड करना है, बाकी केस टेकिंग के बारे में भी आपने बता दिया, रूब्रिक्स के बारे में भी बता दिया कि कम से कम 3-4 रूब्रिक हमारे होने चाहिए, कि जैसे वेनिला आ रहा था तो वेनिला में क्या रहता है ना, वो डिक्टेट करती है, कार्सिनोसिन में वो उस तरह की पर्सनैलिटी होती ही नहीं है वो, तो इसलिए जब भी आप स्टडी करते हैं तो प्लीज अपने वर्ड्स में उस मेडिसिन की थीम बोलिए उसको, उसकी कोर फीलिंग बोलिए उसको, उसको थोड़ा लिख के जरूर रखिए कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और ऐसा ही नहीं है कि वैसा ही केस आएगा, हमारे पास बिल्कुल ओपोजिट पोलैरिटी में भी केस आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कार्सिनोसिन हमको माइल्ड ही मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपने शब्दों में उस मेडिसिन को थोड़ा उसके बारे में जरूर लिख के जरूर रखिए, और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज होने वाले रूब्रिक हैं प्लीज उनको भी अच्छे से समझिए, उनको लिख के रखिए, तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, ये जो कन्फ्यूजन होता है। तो बहुत ही प्यारा केस था मैम कार्सिनोसिन का, आशा करते हैं कि कार्सिनोसिन को लेके हमारे IHF फैमिली मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग और बड़ी होगी आज के इस केस के बाद, और वो कार्सिनोसिन को अपने क्लिनिक में मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, अक्सर हमको इस रेमेडी के केसेस हमारी क्लिनिक में मिलते हैं, ठीक है, हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडी है, जितने भी नसोड हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन जो है वो कार्सिनोसिन है, और उसके बाद मेडोराइना। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस केस के लिए और सेशन के लिए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही हम उनसे सीखते रहें, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।